नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी आरआईडी से जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हम लोग भी आईआईटी एडवांस में सेलेक्ट हो जाएं। तो बेटा मैं बता दूं आपको, लास्ट ईयर का डेटा ये है कि 22% में जनरल कैटेगरी वाले को आईआईटी मिली है। ध्यान से सुन लीजिए, 22% वाले को जनरल कैटेगरी में आईआईटी में एडमिशन मिला है। इसका मतलब क्या 22% हम स्कोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हुआ कि 22% स्कोर तो सभी लोग कर सकते हैं, फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? तो बात जरा समझिएगा। आज मैं आपको बात करने आया हूं आईआईटी में सिलेक्शन की। टॉपर बनने की कोई बात नहीं है, जो टॉपर बनते हैं उनका दिमाग अलग चलता है, उनकी बात मैं आज करने नहीं आया। मैं बात केवल करने आया हूं कि हम कैसे आईआईटी के अंदर जा सकते हैं, आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बता दूं बेटा, अगर आप 25% 30% मैक्सिमम 30% का टारगेट बनाइए कि पूरे पेपर में मेरे को 30% क्वेश्चन सही करने हैं। अभी हुआ कि 30% क्वेश्चन तो सही मैं कर सकता हूं? नहीं, इतना आसान नहीं है। होता क्या है कि आप कोई भी पेपर, किसी भी एग्जाम का पेपर देखोगे तो 20-25% क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो हर एक बच्चे से हो जाते हैं। अब बात यह आई कि जब हर एक बच्चे से हो जाते हैं तो सारे बच्चे आईटी में सेलेक्ट क्यों नहीं होते? बेटा 25% 20% जो क्वेश्चन आसान आते हैं उनको ढूंढना भी तो पड़ता है। क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, क्वेश्चन में फर्स्ट से स्टार्ट करते हो, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तो अपन क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे आपके गलत होते चले जाते हैं। तो अब बात यह आई फिर क्या करें। तो देखिए, जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, जनरली बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है तो केमिस्ट्री पहले करता है, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ऐसे करता है। मैं आपको कह रहा हूं आपका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करो, मैथ्स करो, डजंट मैटर। करना क्या है कि आपने मान लीजिए केमिस्ट्री अपन ने चूज करी कि मैं पेपर पहले केमिस्ट्री का करूंगा, तो उसमें करना क्या है आपको, अगर मान लीजिए आप केवल 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही करते हो, केवल अपना टारगेट क्या है 6-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री करूंगा, वो भी 6-7 क्वेश्चन कौन से जो आपको आ रहे हैं खोज खोज के। जरूरी नहीं है कि आप पहला ही क्वेश्चन करोगे, पूरे पेपर को आप खोजो कौन से क्वेश्चन आसान है, उनको 6-7 क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री कर दिए, फिर इसी तरह 6-7 क्वेश्चन आप मैथ्स के कर लो, फिर 6-7 क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर लो, जो बहुत आसान आसान है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन खोजने में तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि पूरा पेपर पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आसान है वो करने में तो समय लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया पहली बात में, आपको पेपर केवल 30% ही करना है। तो क्या आपको जो पेपर करने का समय मिला था वो 3 घंटे था और हमें पेपर अटेम्प्ट करना है 30%, तो क्या आपके पास समय तो 1 घंटे में ही हो जाएगा? क्या 2 घंटे हमारे पास बचे हुए हैं? क्या हम 2 घंटे में, बहुत समय है क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप 30% क्वेश्चन कर देते हो, लगता है कि ये सही है, फिर आप आगे बढ़ो, फिर केमिस्ट्री से उठाओ और देखो कि 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकता है क्या, इस तरह मैथ्स में उठाओ। अगर आप ध्यान रखना, अगर 30% कर दिया और 5% और एक्स्ट्रा कर दिया, 35% अगर आपने एडवांस के पेपर सही कर दिया, बस गारंटी इस चीज की होनी चाहिए कि एक भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपको आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। जेईई मेंस में मैंने ये ट्रिक बताई थी, जिन बच्चों ने फॉलो किया उनकी अच्छी रैंक आई है। भाई अपन ने जेईई मेंस में कहा था 50% पेपर कर दो, जिन्होंने किया उनकी अच्छी रैंक आई है। कमेंट बॉक्स में लिखना जिनकी अच्छी रैंक आई है और इस टेक्निक को फॉलो किए। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो मैं पूरी 100% गारंटी से कहता हूं कि आप सब बच्चे एडवांस में जाएंगे जिन्होंने साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की है। टॉपर की बात फिर कर रहा हूं, टॉपर की बात नहीं हो रही है, टॉपर को पूरा पेपर करना पड़ता है। मैं आज केवल बात करने आया हूं कि भाई एवरेज स्टूडेंट भी आईआईटी में जा सकता है इस टेक्निक को फॉलो करके। तो आप इस टेक्निक को फॉलो करिए, और अगर आपके टेस्ट हो रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसमें टेस्ट हो रहे हैं, उसमें भी आज से ही यह टेक्निक लागू करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आईआईटी में गारंटीड आप आईआईटी में जाएंगे। और जब आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाए तो एक बार मेरे से जरूर मिलने आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, सारे बच्चे आईआईटी के अंदर जाएंगे तो आपको मैं फिर से जेईई एडवांस 2023 के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अच्छा फोड़ के आएंगे। आप में दम है, आप में टैलेंट है, आप फोड़ के आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।